नमस्कार। फ्रांस ने इतिहास रचा है और इस क्रम में उन्होंने एक ऐसा काम किया कि वह दुनिया का एकमात्र देश बन गया है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है। फ्रांस बिकेम द ओनली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जिसने गारंटी एबॉर्शन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और इस क्रम में बात करते हुए जब यह बिल पास हो रहा था उसी समय वहां के प्रधानमंत्री ने बाकायदा इस बात को कहा जो एटाल है कि हमारे पास एक चांस है कि हम लोग हिस्ट्री लिखें और फ्रांस ने हिस्ट्री लिख दिया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे वह यह है कि 4 तारीख को कल ही का दिन है जब यह बिल पास हुआ और इस बिल के पास होने के बाद अब वहाँ की महिलाओं को जो एबॉर्शन का राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो मिला ही जैसा मैंने कहा। बाकायदा इसमें इस बात को गारंटी दी गई कि वुमेन्स राइट टू वॉलेंटरी टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी उनके पास स्वैच्छिक रूप से यह अधिकार होगा कि वो टर्मिनेट कर सके अपनी प्रेगनेंसी को। आगे एक बात और भी देख लीजिए वह यह है कि इस हिस्टोरिक मौके पर प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रॉन है उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने जो बात कही उसमें एक अजीब सा पश्चिमी जगत को आईना दिखाने का भी काम किया उन्होंने, खासकर अमेरिका को। उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि इस हिस्टोरिक मूव, ये हमारे लिए एक हिस्टोरिक मूव है और उस कॉन्टेस्ट में तो बिल्कुल है जब रोल बैक किया जा रहा है एबॉर्शन के राइट्स को यूनाइटेड स्टेट्स में इन रिसेंट ईयर। अमेरिका में एबॉर्शन का राइट बहुत दिनों से था ऐसा माना गया, अभी हम लोग आते हैं उस पर बड़ा ध्यान से सुनेंगे, लेकिन अभी हाल ही में जो एबॉर्शन का अधिकार था हाल के वर्षों में जो इंटरप्रेट किया गया वहां के न्यायालयों के द्वारा, उससे यह लगता है कि उनको संविधान के द्वारा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और ऐसा अमेरिका ने इस बात को कह दिया है वहां के संविधान सॉरी उच्चतम न्यायालय ने। तो उसी को कोट करते हुए इमरान कांट ने बकायदा कहा, मैक्रॉन ने कहा कि उस परिस्थिति में जब विश्व का सबसे बड़ा पश्चिमी देश, पश्चिमी जगत का सबसे बड़ा लीडर एबॉर्शन के अधिकार से पीछे हट रहा है तो हमारे लॉ मेकर्स का यह काम बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। यहां पर ध्यान रखेंगे ये जो बिल आया था ये ज्वाइंट सेशन में आया था, वहां के जो अपर हाउस है और लोअर हाउस है उन दोनों ने मिल करके ज्वाइंट सेशन में इस बिल को पास किया और 780 और 72 वोट से यह पारित हो गया, 780 उसके सपोर्ट। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि एबॉर्शन का जो अधिकार था फ्रांस में वो किस स्थिति में था पहले, तो 1975 तक वह एक लीगल स्थिति में है, यानी कि एबॉर्शन का जो राइट था वो लीगल राइट था। लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में अंतर होता है, जैसे राइट टू स्पीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह सब हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि इसको आप संवैधानिक अधिकार कहते हैं। लेकिन राइट टू वोट यह एक लीगल राइट है, इसको समझना होगा। कई सारे जो लीगल राइट्स है भारत में वो बाकायदा अधिनियम के थ्रू, एक सामान्य लॉ के थ्रू आ सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हो या फंडामेंटल कुछ और बातें हो उसके लिए बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी अंतरे हैं, किसी और दिन इस विषय पर लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में क्या है, लेकिन इतना जरूर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक तरह से कहा जाए मील का पत्थर होता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। लीगल राइट्स में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और क्या है। आगे एक बात और भी देख लीजिए वह यह है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दोनों सदन ने मिलकर के इसको पारित किया, तो यहां पर आपको जानना बहुत जरूरी है कि वहां का जो हाउसेस है उसका नाम क्या है, नेशनल असेंबली एंड सीनेट। लोअर हाउस यानी वहां की लोकसभा को नेशनल असेंबली कहा जाता है और सीनेट वहां के अपर हाउस यानी राज्यसभा को कहा जाता है। और याद रखें ये दोनों एटलास जिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया इन दोनों के द्वारा मिलकर के, वह था 34वां नंबर जो आर्टिकल है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अमेंडमेंट किया गया। यहां पर कुछ और बातें भी देख लेते हैं, बहुत ही यूनिक यूनिक बातें हैं, जरा इसको समझा जाए। ऐसा नहीं है कि
फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया कि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया एबॉर्शन पर। इससे पहले युगोस्लाविया, वैसे युगोस्लाविया करके आज कोई देश नहीं बचा है, युगोस्लाविया करके जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कितने देश युगोस्लाविया से टूटे हैं, और आज के तारीख में युगोस्लाविया कोई देश नहीं है। युगोस्लाविया की राजधानी पहले बिलग्रेड हुआ करती थी और अभी वो सर्बिया की राजधानी है। युगोस्लाविया करके कोई देश नहीं है, बहुत सारे देश बन गए। लेकिन फिर भी जब युगोस्लाविया था तो उसने 1974 में गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक अधिकार दिया, लेकिन फिर इस अधिकार को उसने 1990 में वापस भी ले लिया, और उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे या बने, यानी युगोस्लाविया को टूटने के बाद जितने भी अन्य देश बने, वह 1990 वाले युगोस्लाविया के स्टैंड पर ही कायम रहे। मतलब उनमें से किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया एबॉर्शन को, ठीक है? तो ये बात आप समझ गए। अब देखिए आगे क्या क्या बातें। थोड़ा देर पहले मैंने अभी आपसे बात की थी, वह था अमेरिका, जिसमें मैंने कहा था कि मैक्रॉन ने इस बात को कहा कि जब अमेरिका जैसा देश इस चीज से पीछे हटता जा रहा है तो हमारा स्टेप अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा बात। और यह बात कब उठी, जरा इसको भी देखा जाए। यह बात है बेसिकली डॉब्स वर्सेस जैक्सन वेमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह एक केस आया लगभग, यह 2021 की बात है, और डॉब्स वर्सेस जैक्सन वेमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह केस जब आया अमेरिका के उच्च न्यायालय में, फेडरल कोर्ट में, तब वहां पर क्या किया गया, वहां पर जो पुराना डिसीजन था 1973 का वेड डिसीजन, रो वी वेड डिसीजन, इसको बदल दिया गया। रो वी वेड डिसीजन क्या है, जरा इसको समझिए। रो वी वेड डिसीजन में बकायदा यह बात कहा गया था कि अमेरिका का संविधान गर्भपात का अधिकार देता और इसी पर वो कायम रहा। वैसे तो बहुत सारे स्टेट्स में उसको बहुत सारा तरीके से इंटरप्रेट किया गया, आपको पता है अमेरिकन जितने भी स्टेट है उनका अपना भी लॉ है, अपना भी संविधान है उनका, तो लेकिन फिर भी ओवरऑल इस पर बात की गई। लेकिन डॉब्स और जैक्सन में 2001 में जस्ट पलटी मार दिया गया, और पलटी भी कैसा मारा गया, बाकायदा यह कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, यूएसए कहता है इस बात को, यूएसए का संविधान इस बात को कहता है कि गर्भपात का अधिकार संविधान में नहीं है। तो यह बात आपको मैंने बताया। अब आगे आते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग आज चीजों को समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी कि भारत में क्या है स्टैंड एबॉर्शन का। देखिए, भारत में एबॉर्शन का जो एक्ट था, एमटीपी एक्ट 1971, उसको अमेंड कर दिया गया है, और 2021 का अमेंडमेंट अभी चल रहा है। पहले जो एबॉर्शन का था सिद्धांत 1971 का, उसमें केवल और केवल मैरिड वुमेन्स पर अप्लाई होता था, लेकिन जो 1921 में इसमें अमेंडमेंट किया गया तो गर्भपात का अधिकार, जो एबॉर्शन का राइट था, वो अनमैरिड वुमेन्स को भी दे दिया गया। मतलब पहले केवल मैरिड था, अब हो गया। पहले क्या था, जो एज लिमिट था वह था 20 वीक्स, गर्भ धारण करने के 20 वीक तक ही आप एबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 24 वीक कर दिया गया। लेकिन इसमें एक और क्लॉज रखा गया कि जब भी कुछ ऐसा एबनॉर्मलिटीज हो, यदि कोई ऐसा समस्या हो, जो जैसे मान लेते हैं बच्चा पैदा हो और मां मर जाए, तो ऐसी परिस्थिति में 24 वीक से ऊपर वाले को भी किया जा सकता है गर्भपात, ठीक है? तो इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई, एबनॉर्मलिटीज यदि कुछ ऐसा है, कुछ फैटल एबनॉर्मलिटीज है, तो उस बिहाफ में 24 वीक से भी ऊपर जाया जा सकता है। तो याद रखेंगे 20 से 24 किया गया, लेकिन 24 से ऊपर का भी थोड़ा बहुत प्रावधान है, लेकिन इसके लिए आपको यहां जाना पड़ेगा। लेकिन लीगल राइट जान लीजिएगा, 20 से 24 हुआ है, 24 से ऊपर बहुत एक्सेप्शनल है। आगे देखिए,
लेकिन यहां पर क्या बात कहा गया कि जब भी अबॉर्शन करवाना है तो आपको पहले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। 12 वीक तक तो केवल एक प्रैक्टिशनर जो होगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उससे केवल आपको चाहिए, लेकिन यदि 12 वीक से ऊपर, लेकिन यदि 20 वीक और 12 से लेकर के 20 वीक, फिर से मैं बोल दूं 12 वीक तक केवल एक, और 12 से लेकर 20 तक यदि आप कराते हैं तो उसके लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होगी। यहां पर अब क्या देंगे देखिए, अब जैसे ही 20 वीक से ऊपर चला गया तब क्या होगा, तब ध्यान रखेंगे यहां पर एक बात कहा गया, ये पहले वाला बात था, पहले ऐसा था 12 से ये 71 वाले में, अब यहां पर आइए 21 वाले में क्या है जरा इसको देख लीजिए। 21 वाले में कहा गया इतना झमेला नहीं है, 20 तक केवल एक रखिए और 20 से ऊपर 24 तक केवल 2, और 24 से ऊपर मेडिकल बोर्ड अप्रूवल आफ्टर 24 वीक, मेडिकल बोर्ड बैठेगी और वो अप्रूव करेगा। तब आप समझ गए इसमें क्या स्थिति है, पहले जो था वह 12 वीक और 20 वीक ऐसा था और अब ऐसा हो गया। तो काफी कुछ कहा गया, लेकिन प्रॉब्लम है इतनी बातें क्या यह थ्योरेटिकली रह गया या इसमें कुछ हुआ भी। जैसा कि मैंने आपसे कहा 2021 में अमेंडमेंट हुआ था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, और इसके बाद एज को इसको बढ़ा करके 20 से 24 कर दिया गया। अब समय समय पर भारत सरकार भी, सॉरी उच्चतम न्यायालय भी इस पर जो बातें कर रही है उससे एक संदेह उत्पन्न हो रहा है कि आखिर ये क्या है, क्या अप्रूवल दिया जाए नहीं दिया जाए। कई बातों में क्या हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अलग तरीके से इंटरप्रेट कर देता है। आपको समझाने की बात है, समझिए क्या है घटना है जुलाई, ध्यान रखेंगे एक मैं आपको बता रहा हूं, एक घटना पहले आप सुन लीजिए, जुलाई 2022 की मणिपुर की एक लड़की है जो प्रेग्नेंट हो जाती है, 5 भाई बहन है, वो लड़की दिल्ली में रहती है, शादी नहीं हुआ है लेकिन प्रेग्नेंट हो गई है, दोनों के रजामंदी से प्रेग्नेंट हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि अचानक उसका कहना था कि उसके बॉयफ्रेंड ने शादी से अब इनकार कर दिया, अब वो चाहती थी गर्भपात में करवाऊं। अप्रूवल लेने के लिए जब वो रजिस्ट्रार के पास पहुंची, क्योंकि उनका 22 वीक हो चुका था, यहां पर ध्यान रखेंगे, और 20 तक केवल अब एक बोला गया लेकिन 22 में 2 मेडिकल बाकायदा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, अब 2 चाहिए, तो इनको मिल नहीं पा रहा था, कई लोग पीछे हट रहे थे, बातें नहीं हो पाई, तो ये कोर्ट में चल गई, दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चला गया, और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जैसे कि हम घर में सबसे बड़े हैं, सभी कोई छोटा है, मुझ पर बहुत सारा मानसिक दबाव पड़ चुका है, बहुत सारी बातें कही उन्होंने, और मैं अपने रजामंदी से चाहती हूं कि इसको मैं टर्मिनेट कर दूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और कहा कि ठीक है आप कर सकते हैं, और उनका हो गया। तो यहां पर ग्राउंड क्या बना जरा समझिए, ग्राउंड यह बन गया कि मैं मानसिक रूप से इसको सह नहीं पा रही हूं, इस स्ट्रेस को सह नहीं पा रही हूं, मेरा हो सकता है आगे चल करके मुझे और भी कोई प्रताड़ना झेलनी पड़े, इस कारण से इसको आगे किया गया। लेकिन इसी संदर्भ में एक दूसरा केस आ गया, इसको भी ध्यान रखेंगे, और ये अभी हाल का है आपका, अक्टूबर महीना 2023, इससे आपको पता चलेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है इस पर। ध्यान से सुने, सुप्रीम कोर्ट में जैसे यहां पर मैं नाम नहीं ले सकता हूं, तो एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक लड़की एक महिला है, 27 वर्षीय विवाहिता है, और उन्होंने बकायदा ये कहा कि मैं करना चाहती हूं इसको टर्मिनेट, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या था कि 24 वीक पार हो चुका था और 24 वीक तक उसे पता ही नहीं था कि वह प्रेग्नेंट है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह था कि उसके पहले से 2 बच्चे थे और दूसरा जो बच्चा था अभी बहुत छोटा था, मिल्क फीडिंग था,
और इस कारण से बहुत सारी चीजों को उनको कॉम्प्लिकेशन यदि हो जाता है, बहुत सारी चीजें तो पता नहीं चल पाती। और एक तरह से कहा जाए कि उनको बहुत लेट से पता चला। इसमें एक बकायदा एक कहा भी गया कि एक याचिकाकर्ता जो थी वो एक बीमारी से ग्रसित है जिसका नाम है लैक्टेशनल एमोनोरिया, जिसमें यह पता नहीं चलता है कि उनका पीरियड्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसी चीजों। लेकिन जब तक पता चला 24 वीक्स बीत चुके थे। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट पर कई दलील दी गई, उन्होंने कई दलीलें दी कि वो नहीं चाह रही हैं, मानसिक रूप से वो पीड़ित हैं। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहती हूं, यदि मेरा ये बच्चा हो जाता है तो मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं आत्महत्या भी कर सकती हूं। लेकिन इसके बावजूद भी दो बेंच की सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें दोनों महिला जज थी, एक कोहली थी और दूसरा मां मुझे ज्ञात नहीं है, उन दोनों ने कहा कि उस बच्चा जो है अब विजिबल हो चुका है, दिख रहा है, और उसका भी अब अपना फंडामेंटल राइट्स है, इसलिए मैं आपका एबॉर्शन नहीं करा सकता। और प्रोविजन होने के बाद भी, जैसे कि मैंने आपसे भी थोड़ा देर पहले कहा कि इसमें बाकायदा एक प्रोविजन है, ऐसा नहीं था कि प्रोविजन नहीं था, प्रोविजन है, प्रोविजन बकायदा है कि 24 से यदि ऊपर भी जा रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर यह कहा गया था कि मेडिकल बोर्ड के अप्रूवल के बाद, लेकिन उन्होंने कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सेक्शन आप पर लागू नहीं होता है, ना आप पागल हैं, ना आप युद्ध पीड़ित हैं, ना आपका रेप हुआ है, ऐसे किसी केस में आप होते जो क्लॉज सब दिया गया है कि 24 से ऊपर में भी कुछ क्लॉजेस बने हुए, युद्ध के ग्रस्त हो, युद्ध में बहुत सारी गलत चीजें होती है उसके कारण से हुआ हो, या युद्ध के पीरियड हो रहा हो और आप करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पाए हो, टर्मिनेट, रेप हुआ हो, मानसिक रूप से आप बीमार हो पता लगा, तो ऐसे कुछ ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आप फिट नहीं बैठते हैं। और उसने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तीसरे बच्चे से। तो इसलिए यहां पर एक सोचने वाली बात यहां पर जरूर है कि अभी तक जो स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इस पर, लेकिन इतना जरूर है कि जो ये एक्ट है उसने 20 से बढ़ाकर 24 जरूर कर दिया है। 24 से ऊपर सुप्रीम कोर्ट किसको मानसिक रूप से बीमार समझेगा, किसको नहीं समझेगा और किसको वो मानेगा, इस पर एक बहुत प्रश्न चिन्ह है। और तीसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट है कि फ्रांस पहला देश बन गया जिसने एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार दिया। नमस्कार।